तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारी। किसान भाइयों, बाजरा खरीद हरियाणा, इस बार बाजरे के पैसे आएंगे या सरकार बाजरा खरीदेगी? तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। किसान भाइयों, आपकी बहुत ज्यादा या कहें बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर एक बार बाजरे पर वीडियो तो बनाएं, कुछ पता हो वही बना दीजिए। तो आपके लिए पेश है बाजरे से संबंधित एक वीडियो कि इस बार सरकार क्या करने वाली है। कुछ जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जो जानकारी आपको प्राप्त हो या पता हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमें भी कुछ और ज़्यादा बाजरे की खरीद या बाजरे के पैसे से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके और मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। तो दोस्तों, बाजरे की खरीद से संबंधित मेरे पास एक न्यूज आई है, अपडेट आई है या मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार बाजरा खरीद रही है। सरकार बाजरा इस बार खरीद रही है दोस्तों। मैंने यह जानकारी कुछ अधिकारियों से भी प्राप्त की है, यानी ई खरीद डिपार्टमेंट से प्राप्त की है कि जो सरकार है वो बाजरा इस बार खरीद रही है और बाजरे की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है। मंडियों में बाजरा पहुंच गया है, चलिए आपको वह दिखा भी देते हैं। दोस्तों, ये ई खरीद का डैशबोर्ड है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि सर ये जो मंडी में कौन सी फसल कहां पर कितनी बिकी है। तो दोस्तों, यहां पर बाजरे का मैंने डैशबोर्ड जो है ओपन कर लिया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं गेट पास अराइवल, इसके बाद यहां पर देख सकते हैं एक्शन डिटेल और भी यहां पर बहुत सी जानकारियां हैं दोस्तों। तो यहां पर आज जो टुडे के जो जे फॉर्म है यहां पर क्लिक कर देते हैं, तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर कितने कितने जो गेट पास यहां पर निकले हैं जो जे फॉर्म। दोस्तों, जे फॉर्म में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं, जैसे भिवानी पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सभी जे फॉर्म हैं ये बाजरे के हैं और यहाँ पर जो सरकारी एजेंसियाँ हैं वो खरीद कर रही हैं या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सरकारी एजेंसी का नाम आता है हैपर्ड। यहाँ पर हैपर्ड जो एजेंसी है, सरकारी जो कंपनी है, वो भी खरीद कर रही है सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भिवानी में भी हुई है, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी और रोहतक, ये इतने जो आई फॉर्म हैं वो जनरेट हुए हैं और ये जो खरीद हुई है ये हैपर द्वारा की गई है। सरकारी जो एजेंसी है जो सरकारी खरीद करती है मंडियों में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी जो सरकारी खरीदें अब तक हो चुकी है मंडियों के अंदर बाजरे की, क्योंकि इतने आईफोम यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं और यहाँ पर जो टन में क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं इतनी, यानी 236 टन। इसके बाद किसान भाइयों, यहाँ पर आप जब आप देखेंगे तो 381, 106, 135, 401, 51, 145, 5, 2, 96, ये क्विंटल नहीं है दोस्तों, टन है। एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो आप हिसाब लगा कर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर टन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं क्वांटिटी इन टन और एक टन में इज इक्वल टू 10 क्विंटल, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितना क्विंटल बाजरा यहाँ पर जा चुका है और अमाउंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं करोड़ में। और इसके बाद वेरीफाई और यहाँ पर क्वांटिटी इन टन, यहाँ पर आप टोटल यहाँ पर जब वेरीफाई हो जाएगी फसल, वेरिफिकेशन होने के बाद इतनी फसल है, इतने पैसे आने हैं, इतनी जो अमाउंट है वो यहाँ पर आपको दिखा दी जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार किसान भाइयों यह देखकर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फसल है वो बिकी है और हैपर जो कंपनी है उसने खरीदी है, सरकारी खरीद इसका मतलब हो रही है किसान भाइयों। तो ये अपडेट मुझे मिली है, कुछ ऐसी अपडेट भी प्राप्त हुई है कि सरकार इस प्रकार खरीद करवा रही है कि जब किसान मंडी में जाता है तो पहले उसकी फसल की चेकिंग की जाती है अधिकारियों द्वारा, अगर फसल खराब या बाजरे में कोई कमी मिलती है तो उसे वापस भेज दिया जाता है और अगर सही है तो उसे पास करके टिक लगाकर आगे सेंड कर दिया जाता है और उसका बाजरा जो है खरीद लिया जाता है। अगर कमी होती है तो उस किसान को वापस कर दिया जाता है अगर बाजरा खराब मिलता है। इस प्रकार की भी कुछ
जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। अगर आपको और भी कोई अच्छी जानकारी प्राप्त हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस साइट का लिंक भी आपको मैं डैशबोर्ड में दे दूंगा। ये जो डैशबोर्ड किसान भाइयों, जो ये डैशबोर्ड है ई खरीद का, इसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे पास फिलहाल इतनी ही जानकारी थी कि सरकार बाजरा खरीद रही है। जो मैंने कॉल पर प्राप्त की है जानकारी वो यह थी कि सरकार खरीद रही है, दोनों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि कुछ मिली है, कुछ हद तक ही मिली हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं, या आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो वह भी बता देना। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आगे से आपको और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाइयों, जितनी जानकारी मुझे प्राप्त थी वो मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दी है। इसमें मैंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिंपल तरीके से बता दिया ताकि आपको भी कुछ पता चल सके। धन्यवाद किसान भाई, और आपको जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।